रोबोट गॉडजिला सुपर ट्रेन मेगाट्रॉन रोबोट। सुदेश कुछ लोहे का स्क्रैप एक हाथ गाड़ी से लेकर जा रहा था। उसे मनीष देख लेता है। अरे सुदेश, इंजीनियरिंग पढ़कर भी तू कबाड़ का काम कर रहा है। अरे नहीं नहीं मनीष, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अरे मैं तो इससे एक मेगाट्रॉन रोबोट बनाने वाला हूँ। रोबोट और तू बनाएगा? अरे रोबोट ऐसे कबाड़ से नहीं बनता, उसके लिए ढेर सारे पैसे लगते हैं। पैसे? तू तो पहले से ही गरीब। अरे हम जैसे अमीर बना सकते हैं रोबोट, तुम नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता मनीष, और तू हमेशा अमीरी और गरीबों में इतना भेदभाव क्यों करता है? अब तो मैं 7 दिनों के अंदर रोबोट बनाकर दिखाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, फिर अगर 7 दिनों में रोबोट तैयार हो जाए तो मेरे पास जरूर आना। मैं मेरे पिताजी से कहकर तुम्हें एक अच्छे कंपनी में नौकरी दिलाऊंगा। नौकरी? मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा। रोबोट बन गया तो मैं खुद की कंपनी शुरू करूंगा और तुझे काम दूंगा। अरे गरीब तो गरीब, ऊपर से अकड़ू। सुदेश अब तो 7 दिन के बाद ही मिलते हैं। सुदेश मेगाट्रॉन रोबोट बनाने में जुड़ जाता है और आखिरी दिन उसका रोबोट तैयार हो जाता है। सुदेश अपने रोबोट को लेकर मनीष के पास जाता है। देख मनीष, मेरा रोबोट तैयार हो गया। देख है ना, एकदम अमीरों के जैसे। आज के बाद कभी मुझे गरीब के ताने मत देना। मेगाट्रॉन रोबोट को देखकर मनीष हैरान हो जाता है और वो मन में सोचता है, अरे सुदेश ने तो कमाल ही कर दिया। वो मेरी बराबरी करने लगेगा। मुझे कुछ सोचना होगा इस सुदेश को नीचा दिखाने के लिए। ऐसा सोचकर वो सुदेश से कहता है, ऐसे रोबोट तो मैं यूं बना सकता हूँ, पर इसमें वो ताकत है क्या जो मेरे गॉडजिला रोबोट में है? मनीष भी अपना गॉडजिला रोबोट सुदेश को दिखाता है। मेरा गॉडजिला रोबोट पावरफुल है, तुम्हारा रोबोट मेरे रोबोट की बराबरी नहीं कर पाएगा। हाँ तो फिर चलो मुकाबला करके देखते हैं। मुकाबला तो मामूली बात है, मेरा रोबोट सुपर ट्रेन को रोकने की पावर रखता है। तुम्हें पता है ना कि सुपर ट्रेन कितनी तेज है? क्या तेरा रोबोट सुपर ट्रेन को रोक पाएगा? तू फिर से चुनौती दे रहा है, अब तो मैं सुपर ट्रेन को रोक कर दिखाऊंगा। सुदेश अपने रोबोट को लेकर वापस जाता है, तब मनीष हंसते हुए कहता है, मुझे पता था तुझे ललकारा तो तू गुस्से में आएगा, इसीलिए तो मैंने ये चुनौती दी। अब देख मैं तुम्हारी कंप्लेंट पहले कर दूंगा, पुलिस तुम्हें जेल में डाल देगी और तुम्हारे रोबोट को कबाड़ में। सुदेश भी आगे पीछे का ना सोचकर अपने मेगाट्रॉन रोबोट को सुपर ट्रेन पर हमला करने के लिए तैयार करता है। दूसरे दिन मनीष पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। आज सुपर ट्रेन पर हमला होने वाला है, हो सके तो बचा लो ट्रेन को। तुरंत पुलिस रेलवे स्टेशन में कॉल करते हैं। हेलो, सुपर ट्रेन को रोकने के आदेश है, सुपर ट्रेन इस स्टेशन नहीं आनी चाहिए। पर सुपर ट्रेन कब की निकल गई स्टेशन आने के लिए? अब हम उसे नहीं रोक सकते, और अगर बीच में रोका तो भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। पुलिस वाले तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, स्टेशन को लोगों से खाली करवाते हैं। तो इधर मनीष की बात उसके पिताजी सुन लेते हैं। मनीष ये सब क्या है? कौन है जो सुपर ट्रेन पर हमला करने वाला है? पिताजी वो मेगाट्रॉन रोबोट है, बस मजाक है ये सब पिताजी। वो सुदेश है ना, वो मेरी बराबरी करने जा रहा था, बस उसे सबक सिखा रहा था मैं। अरे मूर्ख, तुम्हें पता नहीं क्या कि तुम्हारी बहन इसी ट्रेन से आ रही है? अरे पागल, अगर ट्रेन पर हमला हुआ तो भयानक एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारी बहन के साथ हजारों यात्री मारे जाएंगे। जाओ जाकर तुरंत सुदेश से माफी मांगो और रोक दो उसे। मनीष सुदेश के पास जाता है, पर सुदेश ने तो पहले ही अपने मेगाट्रॉन रोबोट को सुपर ट्रेन पर हमला करने के लिए भेज दिया था। अरे सुदेश मुझसे गलती हो गई, पर अब तुम गलती मत करो, कोई तो रास्ता होगा ना रोबोट को रोकने का। नहीं अब तो नहीं है मनीष, आज तो सारी दुनिया को इस गरीब का कमाल पता चल जाएगा। तुम्हारे जैसे कितनी अमीरों ने मेरे गरीबी का मजाक उड़ाया है तुम्हें नहीं पता। आज मुझे मौका मिला है तो मैं क्यों रुक जाऊं? मनीष सुदेश को बहुत समझाता है पर वो समझता ही नहीं। ये सब मेरे कारण हो रहा है,
अब गॉडजिला रोबोट ही कुछ कर सकता है। मेगाट्रॉन रोबोट जाते हुए रास्ते में आए सबको मार रहा था, कभी गाड़ियों पर तो कभी बिल्डिंग पर हमला कर रहा था। ऐसे करते करते वो स्टेशन के करीब आ गया था। वो पटरी पर चल रहा था कि पुलिस उसे देख लेते हैं। रोबोट रुक जाओ, तुम कुछ नहीं करोगे, नहीं तो। पर तब मेगाट्रॉन रोबोट पटरी को उखाड़ने की कोशिश करता है, तभी ट्रेन के आने का समय होने लगता है। पुलिस भी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे में गॉडजिला रोबोट सामने आता है और वो मेगाट्रॉन रोबोट से लड़ाई करता है। लड़ाई करते हुए वो दोनों रोबोट ट्रेन के पटरी से दूर चले जाते हैं। तब पुलिस, पटरी खाली हो चुकी है, कैसे भी करके पटरी को ठीक करो। रेलवे मजदूर जैसे तैसे पटरी को ठीक करते हैं। सुपर ट्रेन आती है, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है और सबकी जान बच जाती है। इधर रोबोट की लड़ाई शुरू थी। गॉडजिला रोबोट मेगाट्रॉन रोबोट को हरा कर ढेर कर देता है। तब मनीष और पुलिस वहाँ आते हैं। थैंक यू मनीष, तुम्हारी वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह गया। क्या तुम्हें पता था कि ये मेगाट्रॉन रोबोट किसका है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये सब सुदेश सुन लेता है। पुलिस के जाने के बाद सुदेश मनीष के पास आता है। मनीष, मेरा नाम क्यों नहीं बताया पुलिस को? तुम्हारा दुश्मन हूँ ना मैं, फिर क्यों बचाया मुझे? अरे सुदेश, अगर मैं तुम्हें नहीं भड़काता तो यह सब नहीं होता। गुनहगार तो मैं हूँ ना, मैं अमीर गरीब का भेदभाव करने लगा था, पर क्या अब तुम मेरे दोस्त बनोगे? वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अपनी रोबोट बनाने की कंपनी शुरू करते हैं। जादुई पुराना ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस शैतान गोरिला। जंगल में दो चोर सतीश नाम के पुलिस को घेर लेते हैं। अरे ओ पुलिस, तुझे बड़ा शौक है गुनहगारों को पकड़ने का। जब से तू शहर आया है तब से तुमने हमारा जीना हराम कर रखा है। हाँ, नहीं तो क्या, हमने तुम्हें झूठा कॉल किया और यहाँ प्लान के हिसाब से बुला लिया। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। मुझ जैसे शेर का सामना तुम मामूली चोर नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगा मैं फंस गया? नहीं, अब तुम जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। सतीश चोरों के ऊपर बंदूक तान लेता है, पर तभी पीछे से उसके सर पर जोरों का वार होता है। सतीश के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। पीछे सतीश का साथी पुलिस मनोज था। अब मेरा मुंह मत देखो, जल्दी से इसे जान से मार दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। दोनों चोर सतीश को जान से मार देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। दरअसल वो पुलिस भी उन चोरों के साथ मिला हुआ था। मनोज खुद को जख्मी करता है। अब मैं ऐसे ही पुलिस स्टेशन जाऊंगा और झूठ बताऊंगा कि चोरों की हाथापाई में सतीश सर मर गए। अच्छा हुआ मेरे एक रास्ते का काटा निकल गया, अब मैं आराम से रिश्वत ले पाऊंगा। मनोज ऐसे ही झूठा बयान पुलिस स्टेशन में देता है। सतीश की मौत बेमौत हो गई थी, उसने अपने आंखों से सब देखा था। तब उसकी आत्मा शरीर से मुक्त होकर जंगल में जाती है और एक गोरिला में समा जाती है। इधर चोर सतीश के घर को आग लगा देते हैं, जहां उसकी बीवी और बेटा जलकर मर जाते हैं। बड़ा आया था हमें रोकने वाला, अब तो उसके खानदान का भी नामो निशान मिट गया। दोनों चोर बड़े ही क्रूर थे, वो वहां से भाग जाते हैं। जंगल से गोरिला अपने घर आता है, पर जलते हुए घर को देखकर वो चिल्लाने लगता है। मैं सबको जान से मार दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोरिला अब शैतान बन चुका था। वो शहर में तबाही मचाने लगता है। वो अपना सारा गुस्सा लोगों पर निकालने लगता है। लोग भागने लगते हैं। अरे ये गोरिला क्यों बड़े ही गुस्से वाला है? अरे इसे पकड़ने के लिए फॉरेस्ट वालों को बुलाना होगा। वहाँ जल्दी से फॉरेस्ट और पुलिस वाले आते हैं। वो गोरिला को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे में फॉरेस्ट ऑफिसर उस पर गोलियां बरसाते हैं। तब गोरिला जंगल भाग जाता है। मैं वापस आऊंगा उन चोरों के साथ,
उस मनोज को भी जान से मार दूंगा। इस शहर में जितने भी गुनहगार हैं, उन सब को जान से मार दूंगा मैं। गोरिला बदले के आग में शैतान बन गया था। दूसरे दिन गोरिला वापस शहर आता है। वो शहर के गुनहगारों को पकड़कर जान से मारने लगता है, पर वो दो चोर गोरिला से अभी भी बच कर थे। आज फिर से वो दोनों मेरे हाथ से बच गए। कोई बात नहीं, उनका मरना तो तय है। शैतान गोरिला की बात पूरे शहर में फैल गई थी। उसे रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर पूरी तैयारी में थे। हर जगह पर पुलिस और मिलिट्री तैनात की जाती है। शहर के कमिश्नर पुलिस स्टेशन आकर, ये गोरिला खेल साबित क्या करना चाहता है? क्यों शहर आकर वो गुनहगारों को मार रहा है? उसे आखिर इन सबको पकड़ने की क्या जरूरत? मनोज, तुम इस सब का पता लगाओ। सर, जब हम गुनहगारों को सजा देने के लिए है, तो ये काम वो गोरिला क्यों कर रहा है? सर, आप सारी बात मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उस गोरिला का बंदोबस्त कर लूंगा। मनोज शहर में तैयारी देख रहा था कि तभी वहाँ गोरिला उन दोनों चोरों को पकड़ कर लाता है। मनोज के सामने ही गोरिला उन दोनों को जान से मार देता है और मनोज के सामने फेंक देता है। तब मनोज मन में सोचता है, ये गोरिला है कौन? इन दोनों को मेरे ही सामने क्यों फेंका? कहीं इसका अगला निशाना मैं तो नहीं? मनोज ऐसे मन में सोच ही रहा था कि तभी शैतान गोरिला मनोज का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। मनोज उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश करता है। मनोज उसकी आंखों में देखता है तो उसे बहुत डर लगता है। उसी वक्त मिलिट्री वाले शैतान गोरिला पर एक साथ गोलियां बरसाना शुरू करते हैं। गोरिला मनोज को छोड़कर भाग जाता है। अरे, ये गोरिला मुझे ऐसे घूरते क्यों जा रहा है? नहीं, अब ये गोलियों से या किसी बम से नहीं मरेगा, मुझे कुछ अलग करना होगा। मनोज अपने दोस्त प्रतीक को कॉल करके शैतान गोरिला की बात बताता है। तब वो कहता है, अरे मनोज, तुमने उस गोरिला का क्या कुछ बिगाड़ा था क्या? वैसे ये गोरिला तुम पुलिस का ही तो काम कर रहा है, गुनहगारों को मार कर। अरे, मैं जो कह रहा हूँ वो तू करेगा या नहीं? मुझे एक ट्रैक्टर रोबोट बनाकर दे बस। हाँ हाँ, देता हूँ, मुझ पर इतना गुस्सा मत कर, दोस्त के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। प्रतीक के पास एक पुराना ट्रैक्टर था जिसका वो रिस्टोरेशन करता है और एक ट्रैक्टर रोबोट बनाता है। प्रतीक उस ट्रैक्टर रोबोट को मनोज के हवाले करता है। मनोज उस रोबोट को लेकर जंगल आता है जहाँ शैतान गोरिला और ट्रैक्टर रोबोट का आमना सामना होता है। भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में रोबोट और गोरिला दोनों कमजोर होते जा रहे थे। तब मनोज रोबोट पर चिल्लाने लगता है, अरे रोबोट, ऐसे हार मत मानो, गोरिला का काम खत्म करके ही दम लो, नहीं तो मैं तुझे ही स्क्रैप में डाल दूंगा। मनोज चिल्ला चिल्ला के रोबोट के खिलाफ ही बोलने लगता है कि तभी आसमान में एक बिजली चमकती है जो रोबोट पर गिरती है, जिस वजह से रोबोट एकदम से रुक जाता है। लड़ाई रुक जाती है। रोबोट किसी भी रिमोट से काम नहीं कर पा रहा था। तब गोरिला मनोज से कहता है, मनोज, तुमने मुझे जान से मारा, कोई बात नहीं, पर तेरी वजह से मेरा परिवार आग में जलकर मर गया, मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, तो तू सतीश की आत्मा है, रोबोट मारो इसे। अरे, ऐसे पुतले के जैसे क्यों खड़े हो? मनोज रोबोट को पुकारता रहता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। तब शैतान गोरिला मनोज पर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। सतीश की आत्मा को शांति मिल जाती है और उसकी आत्मा गोरिला से मुक्त हो जाती है। गोरिला वापस जंगल चला जाता है तो ट्रैक्टर रोबोट का जादू खत्म हो जाता है। वो साधारण बन जाता है और वापस प्रतीक के पास चला जाता है।